Good morning, students. Welcome back to your political science classes. Today, we will start with the political theory book, your second book. So your first chapter is your first chapter is political theory and introduction. In this chapter, they have this, uh, described you about the uh, वाई द पॉलिटिकल थ्योरी हैज बीन टॉट इन द क्लास इलेवेंथ क्यों पढ़ाया जाता है क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सो बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर इन विच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट वाई दिस पॉलिटिकल थ्योरी इज हैज बीन टॉट टू यू सो वेन यू विल कम टू द पेज नंबर एट पेज नंबर एट दिस वन पॉइंट थ्री पॉइंट दैट पुटिंग पोलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस टेक्स बुक वी कंफाइन आर सेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ द पोलिटिकल थ्योरी दैट विच डील विद ओरिजिन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पोलिटिकल आइडियाज बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो टर्म्स बार बार आने वाले हैं जैसे कि फ्रीडम इक्वेलिटी सिटीजनशिप जस्टिस डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म सेक्लरिज्म एज सो ऑन विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज टॉपिक्स की बार बार अगर ये टॉपिक्स आ रहे हैं या बार बार ये वर्ड्स आ रहे हैं तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस व्हाट डज इट मीन्स डज हाउ डज इट मैटर्स सो विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज अगर फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बात की जाती है तो एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन है क्या सो so, इस चैप्टर में आ, ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर है या फिर ये बहुत इंट्रोडक्टरी चैप्टर एक्चुअली तो हम लोग इस चैप्टर को स्किप करेंगे ठीक है एंड वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर स्टूडेंट इन दिस विडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एंड स्टडी अबाउट योर सेकेंड चैप्टर फ्रीडम ऑफ पोलिटिकल थ्योरी बुक पोलिटिकल थ्योरी बुक का सेकेंड चैप्टर हम लोग इसमें स्टडी करेंगे ओके सो दरी फर्स्ट पॉइंट इज द आइडियल ऑफ फ्रीडम दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस नाउ इन दिस पॉइंट दे हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट दी हाउ ने मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका स्पेंड ट्वेंटी एट ईयर इन जेल टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ऑंग ऑफ म्यांमार ऑल्सो स्पेंड द इयर्स अंडर द हाउ सर टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे दो केस स्टडीज दिए हैं आपको एक नेल मंडेला का केस दिया है और एक आपको केस दिया है इट इज गिवन ऑंग सोंग स्यू कई एंड शी रिमेन अंडर हाउस अरेस्ट इन द म्यांमार पर्टिकुलरली नेल्सन मंडेला के केस में ये बताया गया है कि कैसे साउथ अफ्रीका में उनके साथ में uh, एक डिस्क्रिमिनेशन होता था दे वर नॉट हैविंग द फ्रीडम टू इवन मैरी विद दियर चॉइस ऑफ हियर इट इज़ गिवन डिनाई अ फ्री चॉइस ऑफ हुम टू मैरी ठीक है वहां पर बिल्कुल भी उन लोगों को फ्रीडम नहीं थी

चैप्टर हमारा यहां से बिगिन हो रहा है सो स्टूडेंट्स इफ आई आस्क यू व्हाट इज फ्रीडम सो फ्रीडम क्या है तो आप लोग मुझे यही आंसर दोगे कि फ्रीडम इज द एब्सेंट ऑफ कॉन्स्टेंट अगर मैं मैं कॉन्स्टेंट मीन्स क्या होता है मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस जब भी किसी पे भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है एबसेंट हटा देना किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन को हटा देना विथ दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ठीक है बहुत सिंपल सा मीनिंग है फ्रीडम क्या है तो किसी भी तरीके का अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो फ्रीडम कहलाता है अब फ्रीडम भी ना फ्रीडम इज सैड टू एग्जिस्ट वेन एक्सटर्नल कॉन्टेंट ऑन द इंडिविजुअल आर जब भी किसी भी एक इंडिविजुअल पे कोई बाहरी कोई कंट्रोल uh, नहीं है ठीक है इन टर्म्स दिस डेफिनेशन एंड इंडिविजुअल कुड बी कंसिडर्ड फ्री इफ ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल और कंसर्न एंड इज एबल टू मेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एक्ट एज ए ऑटोनोमस वे तो जब भी किसी पे कोई भी जब भी किसी पे कोई भी बाहरी कंट्रोल नहीं है तो वो उस वक्त में फ्रीडम कहलाता है नाउ कम ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी वेर यू विल गेट दी गेट कम टू नो अबाउट दी मोर अबाउट द फ्रीडम नाउ द फ्रीडम इज अबाउट द एक्सपांडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्री एक्सप्रेस दमसेल्फ बेसिकली फ्रीडम क्या है अपने आप को एक्सप्रेस करने का पोटेंशियल को शो करने का भी एक तरीका है नाउ व्हाट आर द टू आस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम फ्रीडम के दो एस्पेक्ट कौन कौन से है दी एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स मतलब की बाहरी किसी भी तरीके से कोई भी उनपे रोक नहीं हो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो और सेकेंडली द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन विच पीपल कैन डेवलप देअर टैलेंट और जिसमें कि लोग अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते पीपल कैन डेवलप देयर टैलेंट इम्पॉर्टेंट टैलेंट अ फ्री सोसाइटी विच वुड विच एनेबल द मेंबर टू डेवलप पोटेंशियल विद द मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंस किसी भी तरीके के उनपे ज्यादातर रोक नहीं लगाई जाती है ये होते हैं फ्रीडम्स ठीक है दिस इज बेसिकली दिस इज फ्रीडम सो वॉट यू कैम टू नो अबाउट दिस अभी आपने इतना जो अंडरस्टैंड किया उससे आपको क्या समझ में आया कि फ्रीडम बेसिकली बेसिकली फ्रीडम इज एबसेंट ऑफ कॉन्स्टेंस किसी भी तरीके का जब रोक नहीं होता है किसी पर्सन पे दैट इज नोन एज Freedom. Okay. So now we will move on to the next point, which is given on the page number 21. Okay. The source of constants. Up source of constants kya there Now, what is the source of constants? Restrictions on the freedom of individual may come from the dominance and the external controls. सच रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज बाय फोर्स और मे बी द इम्पोज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द लॉज विच एम्बॉडी द पावर ऑफ द रूलर्स ओवर द पीपल एंड विच मे है फोर्स समझो आप इस चीज को देखो कॉन्स्टेंस के सोर्स क्या होते है रेस्ट्रिक्शंस uh, किसी इंडिविजुअल के थ्रू या डोमिनस है ना अब ये क्यों लगाना जरूरी है ये या तो गवर्नमेंट लगाती है या फिर किसी अदर पर्सन या बाहरी पर्सन के थ्रू या जो रूलर्स रूलर्स uh, होते हैं वो इम्पोज करते हैं ठीक है इफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक वन द मेंबर ऑफ द स्टेट कुड कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स दैट इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल देखो बच्चों गवर्नमेंट को भी कुछ उनपे रेस्ट्रिक्शंस लगाने जरूरी होते हैं अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है सो so, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए भी उनके फ्रीडम पे रोक लगाती है ठीक है ठीक है रेस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट भी रेस्ट्रिक्शंस लगाती है नाउ कम ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी टू वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स अब आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है इन कॉन्स्टेंट्स की मतलब अगर गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं तो क्या जरूरत है गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंट्स लगाने की तो वी नीड सम एल्थ सोसाइटी वुड डीसेंट इन टू क्योर्स मींस अगर गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल्स नहीं लगाएगी तो जो हमारी सोसाइटी है अब कैसी सोसाइटी हमारी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ठीक है थीके? बहुत डायवर्सिटी है तो अगर सभी पे कुछ कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे तो हर कोई अपनी मनमानी करेगा है ना और फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर क्योर्स की वायलेंस की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हर किसी को हर हर किसी के जो हर कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी हर एक के विचारों से सहमत हो नहीं ना तो पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ रीजन रेगिंग फ्रॉम द रीजन्स टू द ट्राइवल देअर फॉर एवरी सोसाइटी नीड सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल द वस एंड सेटल डिस्प्यूट और कंट्री में हमारे बीच में लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं उसको भी सेटल डाउन करने के लिए जरूरी है कि उनपे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए ठीक है सो क्रिएटिंग ऑफ सच हम लोग आप लोगों पे भी तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आपको स्कूल इस तरीके से आना है आपको ऐसे रहना है आपको यूनिफॉर्म में पहन यूनिफॉर्म पहन के आना है इट डजेंट मीन वी आर टेकिंग आर योर फ्रीडम्स हम आपकी फ्रीडम छीन रहे डजेंट मीन बट हर एक को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को लॉ को फॉलो करना पड़ेगा क्यों क्योंकि सोसाइटी को मेंटेन करके रखना है सोसाइटी में क्योअर्स की कंडीशन न हो इसलिए भी हमें क्या जरूरी है कॉन्स्टेंट लगाना जरूरी है ठीक है सो दिस पैराइज टॉक्स अबाउट दिस ओनली इसी के बारे में ये पूरा पैरा एक्सप्लेन करता है ठीक है नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हार्म प्रिंसिपल अब हार्म प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों सो हार्म प्रिंसिपल्स क्या है उसके लिए जॉन स्टूअर्ट मिल्स ने अपने ऐसे में uh, इसको समझाया है कि लिबर्टी कॉल पॉलिटिकल थ्योरी द हार्म प्रिंसिपल कब प्रिंसिपल्स हार्म होंगे इट मीन्स कि अभी अभी हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा वाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स क्यों जरूरी है हमको और कॉन्स्टेंट्स कब लगाने चाहिए और कब नहीं लगाने चाहिए उसको डिफाइन किया है उसको समझने की सम्... या रिलेट करने की कोशिश की है जॉन स्ट्रूअर्ट मिल के ऐसे से ठीक है जिसे ये हियर इट इज गिवन जॉन स्ट्रूअर्ट मिल्स स्टार्टेड सो इलोवेंटली इन हिज ऐसे ऑन लिबर्टी इन डिस्कशन इन थोरी इट इज कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल लेट इज कोर्ड द स्टेटमेंट अब ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है द सोल एंड फॉर विच मैन काइंड वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेरिंग विथ द लिबर्टी ऑफ द एक्शन ऑफ एनीर एनी ऑफ देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन अब देखो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की रक्षा के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है ना कलेक्टिवली या इंडिविजुअली किसी पे अगर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कॉन्सिट्स लगाता है तब वो आ, लीगल माना जाएगा तब वो ठीक है ठीक है अब नाउ इंट्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस दैट इज एक्शन दैट हैव कंसिस्टेंस दो ओनली फॉर द इंडिविजल एक्टर और नो बडी एल्स अब वो खुद के लिए अगर है ना सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उस कंडीशन में और ही आर्ग्यूज दैट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्शन और चॉइस दैट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन दैट स्टेट इन कॉन्ट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसिस ट्रॉ द अदर एक्शन विच मे हैव कॉज द हार्मेम देर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेयरेंस देखो अब अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है तब तो ठीक है लेकिन अगर वो उस कंडीशन में अगर खुद को नुकसान पहुंचाता है है ना ऐसा कोई काम करे जिससे कि उसे नुकसान पहुंचेगा तो उस कंडीशन में भी उसे क्या करना पड़ेगा उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने चाहिए जैसे कि वो किसी ऐसी तरीके की मेडिसिन ले रहा है जो कि उसे नुकसान करेगा या फिर कुछ ऐसे अब जैसे गवर्नमेंट भी बैन लगाती है किसी की पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे ठीक है तो जरूरी होता है क्योंकि उन उन, उन, उन वो रेस्ट्रिक्शंस लगाना भी जरूरी होता है जैसे इलीगल क्यों है ड्रग्स लेना वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो ले रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को वो बहुत हार्म करने वाला है इसीलिए उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है ठीक है समझ में आया बच्चों सो पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट द डिफरेंस डिफरेंट वे ऑफ लाइफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट सो लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉज हार्म टू अदर्स और ऐसी भी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है जो कि सोसाइटी पे हार्म करेगा या फिर अदर ग्रुप ऑफ पीपल को हार्म करने वाला है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशंस इन द इंडिया द टर्म यूज फॉर सच जस्टिफेबल कॉन्स्टिट्यूश इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस किसको कहा गया है कि जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाने वाला है कल्चर को हार्म पहुंचाने वाला है और जो हमारे आ, पीपल को So human society go harm as the freedom is at the core of the human society so the crucial for the uh, defining the human life it should not be constant in special circumstances the harm caused must be must be serious for for minor harm for example the paying of the loud uh, sorry playing of the loud music at the apartment building should be bring only the social disapp uh, disapproval from the uh, other residents of the building okay जैसे ही बिल्डिंग के अदर लोगों ने बोला कि आप इसको uh, ये उनके लिए हार्मफुल है ठीक है उन्हें नहीं अच्छा लगा तो उस कंडीशन में क्या किया गया ओनली द दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक हैज कॉज देम बाय परहैप्स रिफ्यूजिंग टू द द्रीड द पर्सन हु हैज प्ले द म्यूजिक डिस रिगार्डिंग द हार्म इज द कॉजिंग अदर

जिसमें की एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा रहे जैसे कि कोई बिल्डिंग में कोई पर्सन है उसने लाउड म्यूजिक प्ले किया तो उसने ऐसा तो कोई हार्म नहीं कर दिया ना तो उस कंडीशन में उसको माइनर हार्म कहा जाएगा उस पर लीगल केसेस या लीगल पनिशमेंट नहीं बनता है ठीक है पूरे सोसाइटी के लोगों ने मना कर दिया वो रुक जाएगा या मान जाएगा ठीक है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दिच इज गिवन ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी अब देखो इन द पॉलिटिकल थ्योरी देर आर टू टाइप्स ऑफ लिबर्टी विच आर नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी नाउ इन द नेगेटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवॉलेबल इन विच ही और शी वुड डू बी और बिकम वॉट एवर ही और शी विस्ट टू बी और टू बी और टू बी कम ठीक है देखो ये नेगेटिव लिबर्टी वो है जिसमें कि एक इंडिविजुअल पर्सन को बिल्कुल आजादी मिल जाती है जो वो करना चाहता है या जैसा वो बनना चाहता है वो वैसा बन जाए ठीक है एंड दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर इन इट इज एन मिनिमम एरिया दैट इज कैर एंड इन विच वॉट एवर द इंडिविजुअल इट इज नॉट टू बी इंटरफेयर विथ देखो ये क्या है कि इसमें जो भी पर्सन जो भी कर रहा है उसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा ठीक है किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है जो जैसा कर रहा है उसको छोड़ दो उसकी मनमानी चल रही है पूरी पूरी नाउ सो इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर्म नाउ नाउ पॉजिटिव लिबर्टी अब पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होते बच्चों Positive liberty recognize that one can be free only in uh, only in society, not outside it, and hence tries to make that society such that it enables the enables the development of individual, whereas the negative liberty is only concerned with the innovative area or the not interfere, interference and not with the conditions in the society outside such areas now positive liberty is concerned with the looking at the condition and the nature of the relationship between the individual and the society improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual and personality bacho, positive liberty society ke favor me the individual to ben, uh, develop his or her capability uh, get the benefit enabling the पॉजिटिव कंडीशंस टू द मटेरियल पोलिटिकल एंड द सोशल डोमेन्स ठीक है तो किसी भी तरीके से ये सोसाइटी और उस इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि जहां पे जरूरी है वहां पर उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए और जहां पर जरूरी नहीं है उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाए ठीक है जनरली दे बोथ गो टूगैदर एंड सपोर्ट इच अदर बट इट कैन हैपन दैट ट्रेंड जस्टिफाई

और वही जो नेगेटिव लिब, नेगेटिव लिबर्टी है कंसर्न विद द इंडिविजुअल एरिया इंटरफेरेंस एंड नॉट विद द द कंडीशन आउट पॉजिटिव लिबर्टी कहीं ना कहीं अच्छी है सोसाइटी के लिए भी जो एक इंडिविजुअल की ग्रोथ भी करती है डेवलपमेंट भी करता है और वेयर एज नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड वो इंसान जैसा बनना चाहता है उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए ठीक है दोनों क्लियर हुआ आपको

सोसाइटी को कहीं ना कहीं वो बियर करना ही पड़ता है ठीक है एक तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को प्रोटेक्ट uh, करने के लिए देन कॉन्स्टेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू दैम इन द डिफरेंट सिचुएशन देखो अब हम पे कॉन्स्टेंट्स तो लगाए जाते ही हैं और हम उनके लिए एक सब्जेक्ट हैं हम पे ही लगाए जाएंगे वाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन सिचुएशन वी नीड टू रियलाइज दैट when constraints are backed by the organized social religious or cultural culture authority or by the might of the state they restrict our freedom in ways that are difficult to fight against agar organized way mein अगर organised way में, में हम पे restrictions लगाए गए हैं तो उनके खिलाफ fight करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर किसी society ने social organised सोशल सोसाइटी uh, ने या फिर हम पे दैट uh, कल्चरल या रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं तो उनके खिलाफ फाइट करना बहुत मुश्किल होता है सो फ्रीडम एम्बॉडीज आर कैपेसिटी एंड आर एबिलिटी टू मेक चॉइस सोसाइटी सॉरी फ्रीडम भले ही हमारी जो कैपेसिटी है चॉइस करने की उसको इन्हेंस uh, करता है उसको और ताकत देता है पर we have वी the, accept the uh, responsibility for our actions and their consequences hum log हम लोग जो भी hain लेते हैं ठीक है unke उनसे जो consequences create होंगे उनके लिए भी responsible फिर हमें होना पड़ेगा दो वी आर फ्री भले ही हम लोग फ्री हैं अपने फ्रीडम है हमको एक्सप्रेस करने का अपने पॉइंट ऑफ views को एक्सप्रेस करने का लेकिन हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है कब बोलना है ठीक है और किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करना है सोसाइटी में और खास करके तब जब हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे रिलीजियस कल्चरल और बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी हैं जिनके थ्रू हम पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं ठीक है नाउ वी इट इज फॉर द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द मोस्ट एडुकेट ऑफ द लिबर्टी एंड द फ्रीडम मेंटेन दैट चिल्ड्रन मस्ट बीस प्लेस इन द केयर ऑफ पेरेंट्स अब जैसे कि बच्चे है ना वो बोलते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं अब हमें फ्रीडम होनी चाहिए बट इन्हीं कारणों से ये भी कहा जाता है बहुत सारे लोग इन चीजों की इन चीजों का पक्ष लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, उनको चिल्ड्रन हैं, उनको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ही या केयर में ही रखना चाहिए ठीक है सो हियर इट इज गिवन व्हेन कॉन्स्टिड आर बैक ऑर्गनाइज सोशल रिलीजियस एंड कल्चरल अथॉरिटी और बाई द माइट द स्टेट

क्लेम दैट आर फ्रीडम हैज बीन कॉटेंट हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी फ्रीडम छीनी गई है नहीं कभी कभी बच्चों फ्रीडम फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी इसलिए भी होता है ताकि जो हमारी सोसाइटी में कुछ पावरफुल लोग जो है चाहे वो मॉनिटरी टर्म में है चाहे वो किसी और भी टर्म में पावर या अपने पावर का गलत मिसयूज नहीं करे इसलिए भी उनपे रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है तो ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आएगा बच्चों इसमें कोई ऐसा टर्मोनोलॉजी नहीं है जो आपको बहुत डीपली समझने की जरूरत है इन चीजों को आपको बस समझना है कि क्यों इन चीजों को हमने पॉलिटिकल थ्योरी वाले चैप्टर में लिया है या पॉलिटिकल थ्योरीज में इसको क्यों समझ रहे हैं तो आपको इन चीजों पे आर्ग्यू करना डिबेट करना अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है ओके सो आई होप दिस ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल बट इफ If you have any doubts, any problem, you can ask me in the comment section.